अरविंद केजरीवाल को भैया पौवा पिलाने के ऊपर, ज्यादा पिलाने के ऊपर, पब्लिक को टोल करने के ऊपर जेल हो गया था। मगर भैया अब जो इलेक्शन चल रहे थे ना, उसमें दिल्ली में बीजेपी की जो 60 सीटें वो जो ले जाने वाली जो सर्विस चल रही थी ठकाठक वाली, उसको रोकने के लिए कोर्ट ने बोला कि जाओ भैया तुम 22-23 दिन जाके कंपेन करो, और वहाँ पे हो सकता है तुम्हारे अंदर तप्पड़ है, हिम्मत है, तो भैया वहाँ से वो 7 सीटों में से कुछ बीजेपी को थोड़ा टेंशन दे दो। तो केजरीवाल जो है वो बाहर आ गए हैं, हैं, 1 तारीख को वापस रवाना हो जाएंगे, इधर बाहर उधर अंदर, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन मामला थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि अभी गठबंधन बन गया है कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी का जो बंधन बना है, इसकी वजह से लग रहा है कि बीजेपी को हो सकता है कि लुंगी ढीली होने का खतरा महसूस हो, क्योंकि केजरीवाल भैया बड़े खतरनाक आदमी हैं, बहुत खतरनाक हैं, उनके भाषण में भैया बहुत अकड़ है। जेल से आने के बाद भी कह रहे हैं कि भैया जनता जो है वो हमारी जेल का जो फैसला है वो वोट डाल के करेगी, बीजेपी को भगाएगी, डंडे मारेगी भैया, बीजेपी को भैया नचा नचा के मारेगी। तो देखते हैं अब क्या होता है, केजरीवाल क्या करते हैं पंजाब में और इधर उधर जहाँ सीटें बाकी हैं वहाँ, ये 1 तारीख तक कितना अपना प्रचार करते हैं, कितना लोगों को भाषण देते हैं, और किस तरह लोगों को आम आदमी पार्टी की तरफ खींचते हैं, और जो गांधी वाली पार्टी है कांग्रेस वो क्या सिचुएशन पैदा कर सकती है केजरीवाल के साथ मिलकर, बीजेपी को क्या बड़ा झटका मिलने वाला है, हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भैया, केजरीवाल के बाहर आने की वजह से बीजेपी को क्या खतरा है, बीजेपी का वोट कम होने वाला है या बीजेपी को बुखार होने वाला है, मोशन मोशन लगने वाला है का, कोई थोड़ा बताइए, कुछ कमेंट सेक्शन में बताइए कि बीजेपी के लोग कहाँ प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है वो लिखिए जरूर, क्योंकि भैया आप लोग लिखेंगे मैं पता चलेगा, फिर हम उसके ऊपर फिर बोलेंगे, हाँ भरपूर अच्छे तरीके से। तो आप भैया सिचुएशन हमने आपको बता दिया, केजरीवाल बाहर आ गए हैं और 1 तारीख को वापस चले जाएंगे, बेल मिला है 22-23 दिन का, इसके बाद फिर वापस, और इलेक्शन 4 को या जो भी तारीख है वो भरपूर तरीके से आपको पता चलेगा कि केजरीवाल बाहर आने का क्या फायदा हुआ आवाम को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, और बीजेपी को क्या खतरा हुआ ये भी पता चल जाएगा। बीजेपी का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा खतरा केजरीवाल से भी है और गांधी जी से भी है, राहुल गांधी, इन दोनों ने गठबंधन किया है, अब इस गठबंधन का क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा देखते हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद।